दोस्त मल्टीप्लाई कर, तो इधर भी देखिए दोस्त मल्टीप्लाई हो। हेलो गाइस, वेलकम टू ट्यूबर क्लासेस। मैं ओम प्रकाश आज आपके लिए द हिंदू वोकैबुलरी 22 मार्च लेकर के आया हूँ। आइए देखते हैं इसमें क्या बेनिफिशियल आपको आज मिलेगा। द वेरी फर्स्ट वन इज नंबर वन, हार्वेस्ट समथिंग। हार्वेस्ट समथिंग आप जानते हैं हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, फसल होता है। लेकिन ये जब वर्ड की तरह यूज होता है तो इसके क्या मीनिंग होते हैं आइए देखते हैं। ये जैसे इसका हार्वेस्ट है, हार्वेस्ट का मतलब होता है यहाँ पर कलेक्ट समथिंग, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, संचय करना किसी चीज़ का। एग्जाम्पल में आप समझेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा अच्छे से। जैसे एग्जाम्पल दिया है, द NYT एंड द गार्जियन फाइंड दैट CA इम्प्रॉपरली हार्वेस्टेड प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ 50 मिलियन फेसबुक यूजर्स विदाउट परमिशन। ये आज की न्यूज़ की हेडलाइंस में से एक छोटी सी लाइन मैंने उठाई है। तो ये क्या है कि जो NYT और गार्जियन का नाम सुने हो, गार्जियन एंटीवायरस जो लैपटॉप वगैरह में पड़ता है उसके लिए है। तो ये दोनों कंपनी ने पाया है CA ये कैम्ब्रिज एनालिटिका एक कंपनी है जिसने कि फेसबुक के 50 मिलियन यूजर्स जो हैं उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। तो वही ये न्यूज़ है, कह रहे हैं कि NYT एंड गार्जियन जो कंपनी है इन्होंने ये पाया कि CA ने गलत तरीके से, इम्प्रॉपरली गलत तरीके से इकट्ठा की है क्या प्राइवेट इंफॉर्मेशन, निजी जानकारियां ऑफ 50 मिलियन फेसबुक यूजर्स, 50 मिलियन फेसबुक यूजर्स हैं उनकी निजी जानकारियां विदाउट परमिशन, बिना उनकी अनुमति के। तो ये है न्यूज़ में, मतलब कि हार्वेस्ट का मीनिंग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, इस इंस्टेंस में आया है। हार्वेस्ट का मतलब आप जानते हैं फसल काटना, ये भी होता है। और हार्वेस्ट का एक मीनिंग मेडिकल साइंस में भी यूज़ किया जाता है, जब आप किसी की बॉडी के टिश्यूज वगैरह या फिर सेल्स को कट करके उनका एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें अलग कर लेते हो तो वहाँ पर भी हार्वेस्ट होता है, हार्वेस्ट द टिश्यूज फॉर एक्सपेरिमेंटल यूज। इस तरह के आप यूज़ पढ़ सकते हो मेडिकल साइंस में। तो हार्वेस्ट के डिफरेंट यूजेज हैं, लेकिन यहाँ पर एक ये कलेक्ट के रूप में इसे जो है पहले भी SSC ने स्थान दिया है, यूज़ हुआ है ये। बस ये फर्क ये होता है कि डायरेक्ट नहीं पूछा गया अभी तक, तो इनडायरेक्टली पूछा गया। जैसे क्लोज टेस्ट या पैसेज में इसका मीनिंग यूज हुआ है कि ये हार्वेस्ट का वहाँ पर मीनिंग हमको इन्फॉर्मेशन पढ़ना था, बट हो सकता है ये डायरेक्टली पूछ लिया जाए आपका या एंटोनिम्स साइनोनिम्स में, तो आपको ये फिर पता होना चाहिए। क्योंकि SSC क्या करता है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोई भी नया वर्ड नहीं डालता, वो डालने से पहले क्या करता है उसे एटलीस्ट कम से कम एक बार इंट्रोड्यूस करता है। इंट्रोड्यूस कैसे करेगा, या तो वो स्पेलिंग करेक्शन पहले दे देगा उसे, या फिर वो पैसेज क्लोज टेस्ट में कहीं ना कहीं उसे दे दिया होगा। जैसे कि चार ऑप्शन दिए तो भले ही वो करेक्ट आंसर ना हो वो वर्ड, लेकिन वो ऑप्शन उसे डाल दिया होगा प्रीवियस ईयर में, तभी वो नेक्स्ट ईयर में उसे पूछेगा। इसीलिए कहा जाता है कि 60% रिपीट होता है। रिपीट होने का चक्कर क्या होता है, चक्कर यही होता है कि कहीं ना कहीं उसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था SSC के द्वारा या अदर कॉम्पिटिटिव NDA CDS के द्वारा। अब फर्क ये होता है कि हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, उसके जो अदर ऑप्शन हैं या फिर अदर फील्ड्स हैं वहाँ पर हम वहाँ पर डिटेक्ट नहीं करते कि आखिर उनका मीनिंग क्या है, इसीलिए हमें लॉस हो जाता है। तो ये नहीं होता प्रीवियस ईयर मतलब कि आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लें, मतलब होता है कि आपके हर उसके हर पॉइंट को चेक करें कि आखिर यहाँ पर क्या स्कोप हो सकता है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन सकता है। ये चीज़ आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये बड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं, प्रोब और प्रोब इनटू, ये क्या के चक्कर होता है। चक्कर ये है कि प्रोब जो होता है ये नाउन भी होता है वर्ब भी होता है। तो पहले नाउन का कैसे यूज होता है वो जानते हैं। जब नाउन होता है तो प्रोब इनटू समथिंग आता है, किसी चीज़ की जाँच, ये चीज है। तो जैसे थोरो एंड केयरफुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज की कंप्लीट, थोरो मतलब कंप्लीट सेंस होता है, ये पूरी सावधानी पूर्वक जांच जो होती है उसे हम प्रोब इनटू समथिंग कहते हैं। एग्जांपल में देखिए, द US फेडरल ट्रेड कमीशन बिगन प्रोब इनटू एलिजिबल मिसयूज ऑफ डाटा। जो US फेडरल ट्रेड कमीशन है, आयोग है, उसने क्या किया, जांच शुरू कर दी, किस पर, इनटू एलिजिबल मिसयूज ऑफ डाटा, कथित गलत उपयोग, किसका, डाटा का, जो डाटा का कथित गलत उपयोग किया है कौन, CA कंपनी ने वो किए है ना, हमारे डाटाज को मतलब प्राइवेट जो इन्फॉर्मेशन है हमारी उसको हार्वेस्ट किया, इकट्ठा किया, उसी के लिए किया है कि जो फेडरल ट्रेड कमीशन है उसने जांच शुरू कर दी है उसके खिलाफ। तो यहाँ पर अलेज का मीनिंग आप समझ सकते हैं कि कथित, मैंने एलिगेशन पहले भी वर्ड दिया था प्रीवियस वीडियोज में, तो वही अलेज्ड ये क्या है, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, मिसयूज ऑफ डाटा मतलब डाटा का दुरुपयोग इस सेंस में। अब देखिए कि वर्ब की तरह यूज होता है तो क्या डिफरेंस हो जाता है। तो
यहाँ पर क्या है कि जैसे जब वर्ब वर्ब की तरह आप इसे यूज करते हैं, तो जैसे एग्जांपल में दिया है द यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन प्रॉब्ड अलेज्ड मिसयूज ऑफ डाटा, जो यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन है उसने यहाँ पर देखिए बिगेन मतलब शुरू कर दी जांच, और यहाँ पर प्रॉब्ड अगर हम लिखते हैं तो मतलब हो गया कि उसने जांच जांच कर की है, जांच की है किसकी, अलेज्ड मिसयूज ऑफ डाटा मतलब वहां पर शुरू कर रही है और यहाँ पर उसने जांच की मतलब शुरू कर दी कब की है, लेकिन अभी भी कर रही है या फिर कर चुकी है अभी अभी हाल ही में, कब खत्म हुई ये नहीं पता, तो इस सेंस में ये आ रहा है। तो थोड़ा सा सेंस तो डिफरेंस है, लेकिन देखिए अब वहां पर नाउन की तरह के वो यूज हुआ और कैसे यहाँ पर ये वर्ब की तरह यूज हुआ। जब ये नाउन की तरह यूज हुआ तो अप्रोब इनटू समथिंग हुआ, और जब वर्ब की तरह यूज हुआ तो डायरेक्ट ही इसी का ऑब्जेक्ट भी अप्रोब, और जिसकी जिस पे प्रॉप कर रहा है उसका नाम या उसका इंफॉर्मेशन ये डाल दिया गया है। यही चीज जो है इंफॉर्मेशन के साथ भी होता है, इन्फॉर्म सम मतलब सॉरी इन्वेस्टिगेशन जो होता है, इन्वेस्टिगेशन में ए प्रॉप का साइनोनिम ही होता है, और इन्वेस्टिगेशन इनटू होता है जब इन्वेस्टिगेशन नाउन हो गया। अगर इन्वेस्टिगेट लेते हैं तो इन्वेस्टिगेट में फिर इनटू नहीं आता, इन्वेस्टिगेट समथिंग आता है। और एसएससी ने इसमें मैं कह रहा हूँ कम से कम 5 से 10 बार क्वेश्चन उसने उठाए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, एमटीएस हो गया आपका, 10+2 हो गया, और सीजीएल में तो आए ही हैं, मेंस तक में भी ये क्वेश्चन आए हैं कि इन्वेस्टिगेट दे दिया, इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर। अरे भाई इन्वेस्टिगेट इनटू क्यों होगा जब इन्वेस्टिगेट वर्ब है, इन्वेस्टिगेट द मैटर होता है, और इन्वेस्टिगेशन तो उसमें फिर इनटू आएगा। तो ये चीज आपको क्लियर करनी है, प्रॉप साइनोनिम है, तो दोनों ही का ही सेम फंडा है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रिविलेशन। रिविलेशन मतलब होता है खुलासा, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा रिवील, REVAL, तो रिवील जो होता है वो वर्ब होता है खुलासा करना, और ये रिविलेशन है, रिविलेशन मतलब होता है सिर्फ खुलासा। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है, रिवील की जो स्पेलिंग होती है REVEAL, EVEAL होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो रिविलेशन है VEL है, तो ये आपको स्पेलिंग में ध्यान रखना है, इसमें स्पेलिंग में गलती जाती है, लड़के सोचते हैं रिवील से रिविलेशन बना है तो VEAL कर देते हैं, वो गलत है, दोनों के नाउन में और वर्ब में थोड़ा सा स्पेलिंग में भी डिफरेंस है। और मीनिंग अब इसका समझ लीजिए आप कैसे इसका यूज होता है, अ फैक्ट दैट पीपल आर मेड अवेयर ऑफ, एक ऐसी जानकारी जिसके लिए जिसके लोग जागरूक हो जाए, जिसके बारे में लोग बता दिया गया हो, स्पेशली कैसी जानकारी, वन दैट हैज बीन सीक्रेट एंड इज सरप्राइजिंग, मतलब कि जो कि सीक्रेट रही हो, गुप्त रही हो, या फिर बहुत ही चौंका देने वाली रही हो, ऐसी जानकारी सबको पता लग जाए। तो ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे जो ब्रिटिश की प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटेन की थेरेसा मे, उन्होंने क्या कहा है, सी वाज वेरी कंसर्न अबाउट द रिविलेशन, वह इन खुलासों के बारे में बहुत ही चिंतित हैं। रिविलेशन, ये भी न्यूज उसी आर्टिकल का ही मैंने पिकअप किया है सेंटेंस, जो अभी सीए ने डाटाज को प्राइवेट डाटा को हार्वेस्ट किया है ना, तो उसी वो जो डाटाज का रिविलेशन, उसी के लिए वो चिंतित थे सामने कि कहीं उन डाटा का रिविलेशन ना हो, का खुलासा ना कर दिया जाए, क्योंकि सब भाई राइट टू प्राइवेसी हम लोग का अधिकार है, और अगर उसका हनन होता है तो ये तो गलत ही होगा ना, तो वो चीज है। तो आइए देखते हैं इसमें और नेक्स्ट क्या है, और एक चीज यहाँ पे और बताएं कि कंसर्न अबाउट, जब कंसर्न के साथ प्रीपोजिशन अबाउट आता है, ये भी आप नोटिस करिए, कभी फिर इंडरलाइंस में आए तो आपको यहाँ फायदा होगा कि कंसर्न के बाद आप अबाउट ले पाएंगे। नेक्स्ट देखिए एश्योर समबडी ऑफ समथिंग, देखिए एश्योर और इंश्योर में बड़ा डाउट होता है, आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि एश्योर और इंश्योर में क्या डिफरेंस है। एश्योर समबडी ऑफ समथिंग, आप किसी चीज को किसी व्यक्ति को किसी चीज का भरोसा दिलाते हैं, तो एश्योर समबडी ऑफ समथिंग, जैसे एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ लीजिए, टू टेल समबडी दैट समथिंग इज डेफिनेटली ट्रू, किसी व्यक्ति को कहना कि ये कोई चीज निश्चित ही है, बिल्कुल 100% सत्य है, और इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन, या वो 100% होने ही वाली है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भरोसा दिलाना है, आश्वस्त करना, जैसे वी एश्योर्ड हिम ऑफ आवर सपोर्ट, हमने उन्हें अपने समर्थन का भरोसा दिलाया। और इसका मैं आपको एक फील बताता हूँ, आप फील कैसे करोगे, कहाँ पर क्या एश्योर आता है, इंश्योर आता है, एश्योर वहां पर आएगा जहां पर आप जैसे आप किसी को भरोसा दिला रहे हो, तो जो व्यक्ति भरोसा दिलाता है वो अपने दम पर भरोसा दिलाता है, अपने पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए भरोसा दिलाते हैं, जैसे कि वी, अब हमने अगर उसे समर्थन देने का, उसे उसको सपोर्ट करने का भरोसा दिलाया, तो किसकी काबिलियत के ऊपर, अपनी खुद की काबिलियत के ऊपर, तो कहा कि भाई हाँ हम इतने काबिल हैं, हम आपको सपोर्ट देंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, अपने भी अपने खुद के बेसिस पे आप किसी और को सपोर्ट करते हैं, तो वो चीज किसी और को भरोसा दिलाते हैं, तो वो चीज जो होती है वहाँ एश्योर्ड ऑफ होता है, जैसे डॉक्टर एश्योर्ड हिम ऑफ द वेल बींग, मतलब कि डॉक्टर ने क्या कहा, उसे कहा कि मतलब आप जल्दी सही हो जाएंगे, तो किस बेसिस पे कह रहा है, अरे वो अपने भरोसे पे कह रहा है, पेशेंट के भरोसे पे थोड़ा ना कह रहा है कि वो सही हो जाएगा, उसे काबिलियत पे भरोसा है ना अपना, वो कह रहा है कि अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसने चेकअप किया होगा तभी तो वो कह रहा है कि हाँ तुम ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, तो एश्योर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इंश्योर समबडी समथिंग, किसी
मतलब किसी को कोई चीज सुनिश्चित करना। अभी कैसे होता है, तो जैसे एक्सप्लेनेशन इसका देखिए, टू मेक श्योर दैट समथिंग हैपेंस और इज डेफिनेट, मतलब ये सुनिश्चित, ये श्योर करना, ये निश्चित करना कि कोई चीज होनी है या फिर वो बिल्कुल निश्चित ही 100% होनी है एक तरह से। तो किसी बेस पे आप करेंगे ऐसा चीज। तो एग्जाम्पल में आप जैसे देखेंगे, विक्ट्री इंश्योर्ड देम, जो जीत है उन्होंने उसे उन्हें सुनिश्चित कर दिया उन व्यक्तियों को अ प्लेस इन अ फाइनल, कि उनका पक्का एक फाइनल, जो फाइनल राउंड होगा किसी मैच का हो सकता है, किसी भी चीज कॉम्पिटिशन का हो सकता है, तो उस फाइनल राउंड में उनको स्थान मिलेगा। तो क्या अब भाई, अब सीधी सी बात है, अगर आपने टीयर वन या फिर कोई चीज क्वालिफाई की है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप क्वालिफाई आपने किया नहीं कि आपको फाइनल में स्टेज तो मतलब वहां पर प्लेस तो मिलना ही है, फिर उसके आगे की प्रोसेस का आप कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर विक्ट्री विक्ट्री हमारा बेस बनता है इंश्योर करने का कि हम फाइनल में स्थान बनेगा। तो आपने विक्ट्री के बेसिस पर कह दिया कि अगर जीत होती है तो हमारा फाइनल में स्थान बनेगा। तो यहाँ पर इस तरीके के सेंस में इंश्योर यूज होता है। आई होप आज आप एश्योर और इंश्योर का कंफ्यूजन जान गए होंगे। जहां पर भी आपको एश्योर और इंश्योर होता है आप इस डेफिनेशन को अप्लाई कीजिए और इसको बार बार प्रूव कीजिए कि क्या जो हमने डेफिनेशन पढ़ रखी है, जो हमने सेंस जिस बेसिस पे हम इन पे डिफरेंस कर पा रहे हैं, क्या ये हर जगह अलाउ होता है या अप्लाई होता है या नहीं होता। तो आप निश्चित रूप से कभी आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। कम से कम मैं कह रहा हूँ 10 बार एग्जाम्स में, एसएससी का एग्जाम हो, एनडीए के एग्जाम में पूछा गया है, सीडीएस में भी एग्जाम में पूछा गया है, मैंने तो खुद पेपर सॉल्व किए ना, तो मुझे पता है कि एसएससी में तो कम से कम 10 बार से भी ज्यादा ये पूछा गया है। आप समझिए कि जब ऐसे ऐसे वर्ड्स जो 10-10 बार पूछे जाते हैं, अगर उनको आपने तैयार नहीं किया तो आपने फिर क्या किया, कुछ नहीं किया। और जैसे नेक्स्ट देखिए, डिटेंशन कैंप, डिटेंशन कैंप का मतलब होता है कैद खाना या नजरबंदी शिविर। जब आपकी जेल होती है, वो जेल के अंदर भी एक ऐसा होता है जहाँ रोशनी न जा पाए, मतलब कहते हैं कि कैदी को नजरबंद कर दो, जो बहुत ही क्राइम केसेस वाले, बहुत ही क्रिमिनल पर्सन होते हैं, काफी हाई लेवल के, मास लेवल वाले, तो उनको हम क्या कहते हैं, डिटेंशन कैम्प में रखते हैं। मतलब रोशनी तक न जा पाए, बस खाना दे दिया, पड़े रहो, वो डिटेंशन कैम्प होता है। आइए नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट वन में क्या है। अब ये क्या है कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसका सही मीनिंग ना पता होने के कारण बहुत गलत तरीके से यूज होता है, कुछ भी कहीं भी पढ़ लेते हैं, काम निकाल करके आगे बढ़ जाते लोग। लेकिन इसका आप आज से स्पेयर वर्ड का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। आप देखिए अब क्या है इसमें, स्पेयर के और भी कई सेंस हैं, लेकिन जो ज्यादातर ये यूज होता है वो सेंस मैंने लिया है इस तरह। तो अगर मैं हर एक वर्ड का आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तो हर एक के चार चार छह छह मीनिंग है, तो फिर तो आप कंप्लीट कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को केवल उतना पढ़ना होता है जो ज्यादातर न्यूज पेपर में यूज होता है, जो ज्यादातर हमारे उपयोग में आता है, बस आप उनका वही मीनिंग पढ़ते हैं। और अगर जो आपको सामने आ जाए, जैसे कभी काम पड़ गया तो आपने देख लिया, एक स्पेयर वर्ड खोल के ही देख लिया कि पढ़ डालो कितने मीनिंग है, उस तरह उतना पढ़ लेते हैं। अगर आप ऐसे पढ़ोगे कि मतलब कोई वर्ड आपने उठाया और सोचा कि उसको एक तरफ से पढ़ना है, तो वो फिर आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत सारा है ना, इंग्लिश तो लैंग्वेज है और कोई भी लैंग्वेज आप कंप्लीट तो कर नहीं सकते, बस अपने काम का सीख सकते हो। आइए जैसे स्पेयर द स्पेयर टाइम मनी रूम थॉट, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। मतलब टाइम कोई चीज, मतलब स्पेयर का मतलब होता है उपलब्ध कराना। आप इसी का हिंदी मीनिंग देके समझिए तो आपको अच्छे समझ में आएगा। उपलब्ध कर, या तो किसी को कोई समय देना, या फिर पैसा देना, या फिर रूम, रूम मतलब स्थान देना। ये रूम का मतलब कमरा देना नहीं होता, रूम का मतलब एक प्लेस भी होता है, स्थान देना किसी को। जैसे सीट दे दी आपने, ये चीज वो सीट उपलब्ध करा दी, पिक्चर हॉल में ये सब चीजें, या डेस्क, आप क्लासरूम में है तो वहां पर आपने क्या किया, रूम, उसे रूम दिया बैठने के लिए, बैठने के लिए स्थान दिया। थॉट, थॉट मतलब किसी को थॉट देना, मतलब विचार देना, नहीं उसके बारे में सोचना, कोई चीज उसके लिए करना, वो चीज थॉट के आप बारे में। इस तरह के कोई सेंस होते हैं तो वहां पर हम क्या, और प्रीपोजिशन इसका फॉर होता है, स्पेयर टाइम मनी रूम थॉट फॉर समबडी समथिंग। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप देखिए, टू मेक समथिंग अवेलेबल टू समबडी, किसी को कोई चीज उपलब्ध कराना, व्हेन इट रिक्वायर्स एन एफर्ट फॉर यू टू डू दिस, जबकि वो जो चीज आप उपलब्ध करा रहे हो वो आपको खुद प्राप्त करने में ही बहुत बड़ा, बहुत मेहनत करनी हो, बहुत प्रयास करना पड़े, वो चीज आप खुद ला करके और किसी और के लिए उपलब्ध कराते हो, तो वो क्या होता है, वो आपका क्या है, वो आपका स्पेयर टाइम, वो स्पेयर समथिंग होता है, फॉर समबडी या फॉर समथिंग, मतलब किसी को कोई चीज उपलब्ध कराना, किसी चीज के लिए कोई चीज करना, वो चीज। अब इसमें मैंने दो एग्जांपल इसलिए लिए हैं, ये पहला एग्जांपल मैंने अपने से खुद बनाया है और मतलब खुद क्रिएट की, खुद लिया है, और जो दूसरा है ये न्यूज़पेपर का है। तो मैंने पहला एग्जांपल इसलिए अपने से लिया क्योंकि रीजन था इसका कि अगर डायरेक्टली बताया था तो आपको उतना समझ में ज्यादा ना आता। तो दो एग्जाम्पल आप देखिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है, ही वॉज लेट, वह लेट था, कहीं जा रहा होगा तो लेट था,
लेट हो गया था, बट ही स्पेयर्ड अ ग्लांस फॉर द प्रिटी गर्ल एट द डेस्क, लेकिन उसने एक झलक एक नजर डाली किस पर, फॉर द प्रिटी गर्ल, प्यारी सी बच्ची पर, प्यारी सी लड़की पर, एट द डेस्क, जो कि डेस्क पर बैठी हुई थी, डेस्क पर थी। तो मतलब वो लेट था ऑब्वियसली, तो भाई अगर कोई पर्सन लेट है तो सीधी सी बात है उसके पास इतना टाइम कहाँ कि वो फालतू की चीजें इधर उधर देखे, कोई फालतू की नजर डाले, लेकिन लेट होने के बावजूद उसने क्या किया, एक नजर उस प्यारी सी बच्ची को देखा। तो ये क्या है, उसके लिए खुद एक एफर्ट वाला है, खुद उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई वो इतना टाइम कैसे निकाल रहा है जब लेट है, तो और उसके बावजूद वो क्या कर रहा है, वो एक नजर देखता है। तो यहाँ ग्लास जो हो गया थॉट की सेंस में आ गया है यहाँ पर। तो आप इस तरह स्पेयर का यूज करते हैं, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आप न्यूज़पेपर में आइए कि हमारा डेली लाइफ में कैसे यूज होता है। अब न्यूज़पेपर में तो आपको मैं बहुत चीजें सिखाता हूँ और इसमें भी बहुत सारी चीजें सीखनी है आपको। जैसे पहले आप इसमें और कौन से ग्रामेटिकल पॉइंट्स है जो आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल होंगे, तो अपीयरिंग बिफोर अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिफोर जो होता है एसएससी ने कई बार पूछा है एग्जाम्स में प्रिपरेशन के, जब आप किसी अथॉरिटी या फिर किसी बेंच या फिर आप कहने की किसी लॉयर पर्सन या फिर जो आपका जज होता है उनके सामने आपको प्रस्तुत किया जाता है, तो बिफोर का प्रिपोजिशन होता है, अपीयर बिफोर, प्रेजेंट बिफोर, इस तरीके से इसमें आता है बिफोर प्रिपोजिशन। ये बहुत बार पूछा गया है, 10 से 15 बार तो मुझे भी लगता है पूछा ही गया होगा। अब पूछने का मतलब होता है क्लोज टेस्ट में हो गया आपका और पैसेज में कहीं यूज हो गया, PQRS तक में इसका हेल्प हो जाता है, है ना। तो डिफरेंट फील्ड्स में इसका यूज होता है, बस आपकी नजर होनी चाहिए, आप देख पाए। अब यही आप ऐसे ही पढ़ के चले जाएंगे और मैंने इतनी सारी चीजें निकाल दी, हो सकता है और कोई हो जो इससे ज्यादा चीजें इसमें निकाल करके दिखा दे, है ना। तो अब यही होता है कि आप कितना एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन आपको पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर जो मेरे सामने मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ, आई होप सब कुछ आपके लिए बेनिफिशियल ही है, क्योंकि सारी चीजें एग्जाम के लिए रिलेटेड हैं। मैं जो इशू रेज करता हूँ यहाँ पर वो सिर्फ एग्जाम रिलेटेड ही रहते हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जिसमें संभावना बन सकती है उतना, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता इसमें। कोई ऐसा नहीं कि मैंने अपने से इंक्लूड कर दिया है कुछ, इसलिए मैं न्यूज़पेपर से उठाता हूँ कि आपका रवैया क्या होना चाहिए पढ़ने का। आज मतलब होता है निवेदन करना, तो निवेदन करने में क्या है कि निवेदन करना, मिन्नत करना, इस तरह के सेंस में आता है, याचना करना, ये आपका नॉरिशन में यूज होता है। और नॉरिशन में ये रिक्वेस्ट की जगह पे यूज हो सकता है, जैसे कि रिक्वेस्ट समबड़ी होता है, तो वहाँ पर अर्ज समबड़ी कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है उसमें कोई प्रॉब्लम दिख रही है, कहीं और फालतू प्रीपोजिशन या कोई चीज मिसिंग है, और अर्ज के साथ एक सेंटेंस आपको दिख रहा है नॉरिशन का एक विकल्प जिसमें कि आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है, तो आप अर्ज के साथ चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल यही हो रहा है ना, क्योंकि सिंपल नॉरिशन तो आपको सभी बना ले रहे हैं, तो प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम तो यही आ रही है कि कोई सामने में डाल दिया आपको उस वर्ड से आप फैमिलियर नहीं है, तो आप फिर परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई पक्का नहीं है कि विनती कर रहा है प्लीज काइंडली आया, तो आप रिक्वेस्ट ही डालेंगे, क्यों डालेंगे, अगर अर्ज वही सेंस डाल रहा है आप अर्ज डाल दीजिए, कोई फिक्स ऐसा नहीं होता। कि ग्रामीण में यही बेनिफिट होता है कि आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, बस आपका सेंस सेम आना चाहिए, आपको वर्ड को फॉलो नहीं करना, आपको सेंस को फॉलो करना है, सेंस कंप्लीट होना चाहिए, दैट्स इट। स्पेयर टाइम फॉर, अब देखिए मैंने बताया था ना यहाँ पे स्पेयर टाइम मनी एक्सेट्रा फॉर समबडी, तो फॉर समबडी या समथिंग, तो यहाँ फॉर प्रीपोजिशन आया, तो आया, ये आपने देख लिया स्पेयर टाइम फॉर। अब स्पेयर टाइम टू दे दिया तो आपको काट के फॉर करना पड़ेगा, यही आपको याद रखना है बस। और समबडी की जगह क्या है, यूआईडी सीईओ। अब यूआईडी सीईओ में देखिए यहाँ आर्टिकल दर लगा है, इसलिए लगा है क्योंकि सीईओ के बाद जो सीईओ है उसका नाम नहीं आया, ये पद का नाम है, और पद के नाम के बाद अगर पर्सन का नाम नहीं है तो आर्टिकल दर लगता है। तो ये मैंने आप कई बार आपको रिपीट किया, फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, आप हर जगह चेक करिए ये रूल फॉलो होगा। तो जब भी फॉलो हो रहा है तो आपको क्यों ना इसे आप दिमाग में बैठा लें, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जहां भी ये आता है आप वहां नोटिस करिए क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। पद का नाम नहीं आया तो आर्टिकल दर लगा है, आर्टिकल दर नहीं लगा होता तो पद का नाम आता ही आता, नहीं तो गलत है फिर, वो सीधी सी बात है। और सीईओ टू कंडक्ट ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंडक्ट करने के लिए इन एन ओपन कोर्ट, खुले कोर्ट में, टू क्वेल अप्रिहेंशन, क्वेल मतलब होता है शांत करना, दमन करना, अप्रिहेंशन मतलब आपको बताया था फियर और ये सब, तो फियर हो गया, वही हो गया। तो ये चीज थी, आइए नेक्स्ट वन में क्या है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंसोर्टियम, ये कंसोर्टियम जो है ये होता है लोगों का, और ऐसे लोगों का समूह, ऐसे देशों का समूह जो कि एक साथ बिजनेस करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे। तो ये जो है आप ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, और ये उस तरह तो नहीं आया है, स्पेलिंग में भी पूछा गया है, और ये वन वर्ड में पूछा गया है, और कहीं तो उस तरह मुझे नहीं याद है कि यूज हुआ है, लेकिन ये वन वर्ड में तो पक्का ही पूछा गया है, स्पेलिंग में भी एक बार आया है, एक बार दो बार सर। और इसका मतलब आप समझ ही गए कि समूह में काम करना किसी पर्टिकुलर चीज पे। अब द सीबीआई ऑन वेडनेसडे बुक्ड चेन्नई बेस्ड कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, जो चेन्नई है वो सॉरी सीबीआई है, उसने क्या किया, चेन्नई पे, चेन्नई बेस्ड, चेन्नई से बिजनेस शुरू करने वाले जो, फिर चेन्नई में बिजनेस करने वाले जो कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और उसके डायरेक्टर को,
एंड अदर्स को, दूसरों को, उनको क्या किया, बुक कर लिया, मैंने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली, रिपोर्ट दर्ज कर ली, किस चीज के लिए, और एलिजिबिलिटी कथित रूप से चीटिंग धोखेबाजी करने के लिए, किसको धोखा देने के लिए, और कंसोर्टियम ऑफ 14 बैंक्स 14 बैंकों के समूह को धोखा दिया उसने, किस चीज का, ऑफ रुपीज 824.15 करोड़, मतलब 824.15 करोड़ रुपए का इसने घोटाला किया कुल मिला के। अभी देखते हैं आप, अभी कौन, विजय माल्या जी चले गए, अब उसके बाद नीरव मोदी जी हो गए, और बहुत सारे छोटे छोटे कर थे ही, अभी सबसे ज्यादा नीरव मोदी थे, अब उनकी कमी थी तो ये गणेश गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड हो गया, अभी इसने दे दिया। मतलब इन लोग पता नहीं गवर्नमेंट कैसे दे देती है, यहाँ आप लोग अगर एक घर के लिए भी हम लोग लोन मांगते हैं तो मिलता नहीं है, देश के इशू बताते हैं और इन लोगों को दे देते हैं, तो यही चीज़ है कि जिसके पास है उसको और दे देते हैं कि जाओ बेटा चले जाओ। तो ये चीज हो गया यहाँ पर, और एलिजिबिलिटी का मतलब वो कथित रूप से मैंने पहले ही बताया था, इसी वीडियो में पहले भी इशू मतलब रेज किया और यहाँ पर भी आपको बता दिया चीट। अब इसको अगर हम संबड़ी कर दें, कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स एक ही ग्रुप है पूरा, कंसोर्टियम एक वर्ड है, इसको आप संबड़ी लिखिए, चीट संबड़ी ऑफ समथिंग, अब ये एक फ्रेज होता है, मैं इसी को आपको रेज करना चाहता था यहाँ पर, कि चीट संबड़ी ऑफ समथिंग, ये एक फ्रेज होता है जिसका यूज यहाँ पर हुआ है, चीट संबड़ी ऑफ समथिंग या फिर चीट संबड़ी आउट ऑफ समथिंग, ये दोनों होते हैं, आप ऑक्सफर्ड नॉर्थ लंदन में जाएंगे आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, और आप विधिवत रूप से वहां पढ़िए और देखिए कैसे ये यूज हो रहा है। तो यही चीज है, अब आपने ध्यान नहीं दिया तो ये चीटिंग का प्रीपोजिशन ऑफ आया है, ये ध्यान रखना है आपको, चीट समबड़ी ऑफ समथिंग, और यहाँ टू हो जाता तो गलत हो जाता, ग्रामेटिकल स्पॉटिंग एरर बन जाता और फिर वहाँ आपको इम्प्रूव करना पड़ता। तो इतने सारे इश्यूज मैंने उठाए हैं यहाँ पर, देखिए छोटी सी चीज में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा, हम ऐसे ही इश्यूज आपके सामने उठाते रहें और आपको बेनिफिट देते रहें, क्योंकि ये चीज़ जो है ना बहुत जरूरी है, ग्राउंड लेवल पे जरूरी है। आप जब इतना करेंगे, सोचिए आप अगर रोज एक पैसेज पढ़ते हो, इतनी सारी चीजें खोज लेते हो, तो मेरी तो आधे घंटे, मुझे सिर्फ आधा घंटा लगता है ये सब उठाने में, इतना करने में, और इतने में मैं मतलब आपके लिए इतनी सारी चीजें लाता हूँ। सोचिए अगर आप दो घंटे पर डे करते हो तो आधे घंटे से कम में भी मैं खोज सकता हूँ, लेकिन मैं वो चीजें आपके लिए खोजता हूँ क्योंकि जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेनिफिट हो, क्योंकि आप हो सकता है मोस्टली स्टूडेंट्स जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे हो, तो इसलिए थोड़ा टाइम देता हूँ अच्छे से, ताकि अच्छे से आपके लिए सारी चीजें कलेक्ट कर पाऊँ। तो आप सोचिए कि अगर आप दो घंटे पर डे इतना काम करेंगे, सोचिए आपको ग्रामर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा आपका यूं ही कवर हो जाएगा, और बस एक बार आपने ग्रामर तो सीमित है ना, और बाकी काम तो आपको करना क्या है, बाकी तो आपको न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स पढ़ करके, मैगजीन्स पढ़ के, NCERT पढ़ के काम करना है, तो वो सारी चीजें आप करिए, और क्लोज टेस्ट पैसेज PQRS वो सब उन्हीं से इंप्रूव होता है। आप सिर्फ 125 नंबर का, जैसे CGL का मेन्स पेपर है तो उसमें 125 नंबर आप कलेक्ट कर सकते हैं, वो सारे रूल्स ग्रामर पॉइंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर पढ़ के, जो 75 क्वेश्चन आपके आने हैं ना वो आप ये न्यूज़पेपर रीडिंग्स आर्टिकल रीडिंग से आएगा, और अगर आप इन पे नहीं पढ़ेंगे तो फिर यही होता है कि तुक्का मार के आएंगे, पता नहीं रहता कि कितना आ जाएगा स्कोर, लेकिन अगर आप इतना कर रहे हैं तो आपको एक मतलब फिक्स रहेगा कि एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार कोई कैसा भी आ जाए हम कर देंगे। तो ये चीज़ है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ लाइक करिए, ताकि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए क्रिएट कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।